तो अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट के माइनर हैं तो शायद से ये अपॉर्चुनिटी आपको इसके बाद ना मिले। हैमस्टर कॉम्बैट का टीजी यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट जुलाई में है और जल्द ही इसका टोकन लॉन्च होने वाला है, जिससे कि आप बड़ा एयरड्रॉप पा सकते हैं। और जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि इसमें उतना बड़ा एयरड्रॉप नहीं मिलेगा कि हमें जो परमानेंट इस पर टैप करना चाहिए, उन्हें मैं बता दूं कि हो सकता है कि 2024 और 25 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये हो सकता है। तो अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट की माइनिंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा एयरड्रॉप आपको मिले, एटलीस्ट 1,00,000 रुपए का एयरड्रॉप तो मिले ही मिले, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और 2024 में ही नहीं 2025 में कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके टोकन की क्या इनसाइट्स हैं, इन सारे बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। मेरी कोशिश रहती है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका फायदा होता रहे, इसीलिए मैंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया जहां पर कि मैं आपको जितने भी फ्री एयरड्रॉप आ रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। अब ऐसा नहीं कि कोई भी एयरड्रॉप मैंने उठा करके उसमें डाल दिया, जिनकी टीम अच्छी होती है, जिनका बैकअप अच्छा होता है, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जो जेन्युइन एयरड्रॉप है उसके बारे में आपको बताता रहता हूं। और हैमस्टर कॉम्बैट को भी मैंने जो है करीब 4 वीक पहले ही आपके साथ सजेस्ट कर दिया था और काफी सारे लोग जो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैंने आपको प्रॉफिट पर आवर कैसे बढ़ाना है वो बता दिया, बैलेंस भी मेंटेन रखना है वो भी बता दिया, कौन से कार्ड्स आपको बाय करने वो भी बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको कैलकुलेट करके ये भी बता दिया कि हैमस्टर कॉम्बैट का लॉन्चिंग पर प्राइस क्या रह सकता है। लेकिन आखिर मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूं? पिछले 6 सालों से क्रिप्टो मार्केट में हूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए गए, कई सारे ने यहां पर 100x से 1000x तक का प्रॉफिट दिया जो कि मैं अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो हैमस्टर कॉम्बैट पर हम इतना फोकस कर रहे हैं तो उसके पीछे का कुछ तो रीजन होगा। आज इस वीडियो में यही चीज जानते हैं कि क्या है हैमस्टर कॉम्बैट का मास्टर प्लान, आखिर इसमें अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो आपको कितना फायदा है अगर आप अपने दिन के 3-4 घंटे एक एप्लीकेशन में एक वेबसाइट पर अगर गुजार रहे हैं तो उसका कितना फायदा आपको हो सकता है, क्या सबूत हैं, क्या फॉरकास्टिंग है, सारी बातें बताता हूं। हैमस्टर कॉम्बैट की सबसे अच्छी चीज जो है वो है इन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया जब भी यहां पर आए तो पूरे प्रॉपर प्लान के साथ है, जो कि अदर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। सबसे पहला प्लानिंग का क्या था, कम्युनिटी के साथ इन्होंने यहां पर ग्रो करना स्टार्ट किया, इन्होंने अपने सोशल हैंडल्स पर काम किया, जैसे कि इनका ट्विटर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, इनका टेलीग्राम चैनल जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। साथ ही साथ जैसे ही इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया इनका एक यूट्यूब चैनल भी आ गया जहां पर कि अभी जो है मिलियंस में सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इनके टेलीग्राम पर भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इन्हें कोई वीसी यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं मिला तो भी ये यूट्यूब से, टेलीग्राम से, ट्विटर से इतनी फंडिंग उठा सकते हैं कि ये आराम से इस प्रोजेक्ट को अच्छा रन कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या थी कि प्लानिंग के साथ इन्होंने कोई भी काम स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया उसके बाद यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उसके बाद ट्विटर पर एक्टिव हो रहे हैं, ऐसा नहीं किया। ये जिसने भी इस प्रोजेक्ट को बनाया है वो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में एटलीस्ट 8 साल से 10 साल से है, उसे पता है कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर ही जाइए, डेली की अपडेट्स आपको मिलती हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। भले ही वो अपडेट्स उतनी ज्यादा इंपैक्ट ना डालती हूं, लेकिन उसके वजह से हो क्या रहा है कि इनके यूट्यूब चैनल पर जो है इतनी तेजी से सब्सक्राइबर आ रहे हैं कि उसके लिए लोगों को सालों तक मेहनत करनी होती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इनका गेम बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है। कहने का मतलब क्या है कि गेम किस पर बेस्ड है कि आप एक कंपनी के सीईओ हैं और आपको कंपनी चलाने के लिए क्या सारी चीजों की जरूरत है वो आप इस गेम में करते हैं। देख कहने को देखिए शूटिंग गेम नहीं है, लेकिन ये कौन सा गेम है, ये है दिमाग का, ये गेम है विजन का। जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपको कंपनी चलाने के लिए मार्केटिंग में पैसा खर्च करना होता है, पीआर में खर्च करना होता है, लीगली यहां पर काफी ज्यादा आपको साउंड होना पड़ता है और भी कई सारे पर्क्स देने होते हैं अपने एम्प्लॉइज को। वही चीज है यहां पर कि टैप करके पैसे कमाइए और उन पैसों से आपको जो अपनी कंपनी के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं वही आपको बाय करना है। तो देखिए गेम में जो है काफी ज्यादा यहां पर इनोवेशन लगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगा कि नहीं इस गेम को कैसे बनाया जाए जिससे कि लोग इसमें जो इंटरेक्ट कर पाए। तो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव गेम बना जो कि इनके दूसरे मास्टर प्लान में आता है। तीसरा मास्टर प्लान क्या था, इस गेम का इन्होंने यूज किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए। इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि लोग यहां पर फ्री की चीज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने क्या किया कि इनके टेलीग्राम को फॉलो करिए, इनके यूट्यूब को फॉलो करिए, इनके ट्विटर को फॉलो करिए और इनके गेम में डेली आप एक्टिव रहिए और तो और इनके यूट्यूब पर जो डेली वीडियोस आ रही हैं उनको भी देखिए। जिससे हुआ क्या कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा चैनल है जिसे कि लोग पूरा वॉच कर रहे हैं और उससे जो इसकी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई। अब ये ऐसा चैनल हो गया है कि मिस्टर बीस्ट को ये जो
यहां पर एक महीने के रिकॉर्ड में पीछे छोड़ चुके हैं। तो इनका देखिए मेन एम था कि अपना टोकन लॉन्च करना, लेकिन उन्होंने यूज किसका किया, गेम का यूज किया, और गेम का यूज करके अपनी कम्युनिटी को बहुत बड़ा कर लिया। अभी अगर इनके कम्युनिटी की बात करें तो ट्विटर पर इनके 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर इथेरियम की बात करें 3 मिलियन के आसपास, शिबा इनू की बात करें 3.5 मिलियन के आसपास। तो कोई भी कंपटीशन ही नहीं है इसका। तो जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो इसकी हाइप जो रहेगी वो शिबा इनू कॉइन के जैसी रहेगी। अब यहीं पर मैं थोड़ा आपको रोक के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। 2020 में डॉज कॉइन आया था जिसे कि इलॉन मस्क ने प्रमोट किया था। इलॉन मस्क ने यहां पर ट्वीट किया, उसे प्रमोट किया, लोग जानने लगे और डॉज कॉइन एक सबसे पहला मीम कॉइन बना जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। उसके पहले भी देखिए मीम कॉइन बनते थे लेकिन उन्हें कोई प्रमोट नहीं करता था, इस वजह से वो छिपे रह जाते थे। अब देखिए डॉज कॉइन की जब प्रमोशन हो गई उसके बाद आया शिबा इनू, फ्लोकी इनू, बहुत सारे कॉइन। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी इस बुल रन की स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में जो है नॉट कॉइन आया जो कि एक टैप टू अर्न गेम था, जिसने यहां पर टैप टू अर्न गेम्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। और पॉपुलैरिटी तो बढ़ाई, उसके बाद देखते ही देखते टैप स्वैप आ गया, यस कॉइन आ गया, उसके बाद हैमस्टर कॉम्बैट आ गया। जैसे कि जब डॉज कॉइन आया था तो बहुत सारे मीम कॉइन आए लेकिन शिबा इनू चमक गया क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग थी। और वही सेम चीज यहां पर नॉट कॉइन के बाद जो है हैमस्टर कॉम्बैट के साथ हो रही है कि हैमस्टर कॉम्बैट जो अब नॉट कॉइन से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो जैसे इसकी लॉन्चिंग होती है बड़े बड़े एक्सचेंज इसको लिस्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जुलाई में इनका टीजी होने वाला है। टीजी का मतलब होता है टोकन जनरेशन इवेंट, जिसमें कि ये अपने टोकन के टोकनॉमिक्स को बताते हैं, लॉन्च करते हैं टोकन को और वेस्टिंग पीरियड होती है और थोड़े थोड़े टोकन जो सभी के वॉलेट में जाते हैं। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको डेली के जितने भी एयर ड्रॉप आ रहे हैं, हैमस्टर कॉम्बैट में कौन सा कॉम्बो कार्ड है, टैप स्वैप में कौन सा कोड है, या फिर जितने भी फ्री के एयर ड्रॉप है उनमें क्या क्या अपडेट्स आई, इन सबके बारे में बताते हैं। तो अगर आप यहां पर एयर ड्रॉप लेने के शौकीन है, आप चाहते हैं फ्री में अर्निंग करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर एक $500 का फ्री गिवअवे चल रहा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसकी फ्री में अर्निंग जो मेरे थ्रू भी हो जाए, क्योंकि मेरा भी जो ग्रोथ है वो आप सबकी वजह से हो रहा है। तो मेरी ग्रोथ का कुछ हिस्सा जो है मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कम्युनिटी में भी बांटता रहूं। तो हर महीने यहां पर आपको जो गिवअवे वगैरह मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। मैं ट्राई करता हूं जितनी भी एजुकेशनल कंटेंट हो जिससे कि आपको हेल्प मिले वो इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। और फोर्थ मास्टर प्लान जो कि हैमस्टर कॉम्बैट के साथ हो रही है कि कम्युनिटी इनकी बहुत बड़ी हो गई और उसका यूज करके ये बड़े-बड़े ब्लॉकचेन और बड़े-बड़े एक्सचेंजेस पर आराम से लिस्ट हो जाएंगे। जैसे कि टॉन ने इन्हें जो सपोर्ट अपना दिखा दिया, ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं, तो टॉन के ब्लॉकचेन पर तो ये आ ही रहा है। साथ ही साथ यहां पर ये बड़े-बड़े एक्सचेंज जैसे कि कुकॉइन के प्री मार्केट में आ चुका, साथ ही साथ तीन और एक्सचेंज हैं, बाइनेंस और बाइबिट, इन दोनों एक्सचेंज पर भी ये आने वाला है। ये मैं आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि इन एक्सचेंजेस को चाहता है नई कम्युनिटी और हैमस्टर कॉम्बैट के पास इस टाइम में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तो आराम से ये बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा और इसी जुलाई के महीने में ये आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी कुकॉइन के टीम से बातचीत हुई है और उसी के आधार पर मैंने आपसे पिछली कुछ वीडियोस में बोला है कुकॉइन पर आपकी आईडी होना जरूरी है। कुकॉइन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि हमारी रेफरल लिंक रहेगी, आप अगर उससे ज्वाइन करते हैं तो आपके एयरड्रॉप वगैरह में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। उनके टीम से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो रेफरल है वो मेरे अंडर में है, तो आप इनकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करिए और कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स दे पाइए। लेकिन उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली हुई है कुकॉइन की, उसी से साइन अप करना है और डिपॉजिट करके वहां पर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा। जितना अच्छा आपकी वहां पर ट्रेडिंग रहेगी उतना ज्यादा जो है आपको वहां पर वैल्यू मिलेगी क्योंकि आप वहां पर जो वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। और मुझे ये चीज लगती है कि नहीं, जुलाई के महीने में आराम से इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट पर आवर पर आपको ध्यान देना है, अपने कॉइन बैलेंस पर भी ध्यान देना है, साथ ही साथ अपने लेवल पर भी ध्यान देना है। जितने भी यूट्यूबर्स को आप देखेंगे उनके कॉइन्स यहां पर जो 1 बिलियन में चल रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट पर आवर भी जो है मिलियंस में चल रहे हैं, लेकिन वो चीज हुई है रेफरल के थ्रू। और अगर आप मेरा बैलेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, वो इसके पीछे का रीजन ये है कि रेफरल के थ्रू होता है। लेकिन आप यहां पर जो स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं अगली कुछ वीडियोस में जो है हैमस्टर कॉम्बैट की क्या स्ट्रेटजी रहे
रहेगी, किस तरीके से आपको भी अपने कॉइंस को जो है 1 बिलियन के ऊपर ले जाना है। साथ ही साथ पैरेलली इस चैनल पर आने वाले कुछ वीडियोस में आपको ये बताने वाला हूं किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है, हैमस्टर कॉम्बैट में आपको कॉइन बैलेंस 1 बिलियन से ज्यादा रखना है, साथ ही साथ पैरेलली प्रॉफिट पर आवर को 2 मिलियन से ऊपर ले जाना है, कौन से कार्ड आपको बाय करने हैं, क्या सारी स्ट्रेटजीज मैं यूज कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपको जो है सीरीज के रूप में देखने वाली है। तो अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट के माइनर हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पिछली कुछ हैमस्टर कॉम्बैट की वीडियोस मैंने आपको जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, लेकिन उससे अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज जो है मैं अगली कुछ वीडियो में लेकर के आने वाला हूं। सारे लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, आप जब लाइक करते तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसे और कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे खुद के आइडियाज, मेरे खुद के प्लान रहते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। मिलता हूं मैं नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।